व्यक्ति को एक ओर जीवन है और दूसरी ओर मृत्यु। जीवन में गति प्रगति है और मृत्यु में स्थिरता। चलते रहना बढ़ते रहना जीवन है और निष्क्रिय होना, रुक जाना और अपने कार्य को विराम दे देना मृत्यु है। प्राणों का रहना मात्र ही जीवन नहीं है और प्राणों का निकल जाना ही मृत्यु की परिभाषा नहीं है। जीवन और मरण मानव की चेतना पर, क्रियाशीलता पर और गतिशीलता पर निर्भर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्थान पर लिखा है, जीवन विकास का सिद्धांत है, स्थिर रहने का नहीं। सतत विकसित होने की आज्ञा अनुज्ञा देता है, स्थिर अवस्था में रहने की नहीं। लाइफ इज ए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ, नॉट ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। अ कॉन्शियस बिकमिंग विच डज नॉट परमिट स्टैटिक कंडीशन। जब मानव मन की चेतना जागृत रहती है और चिंतन मनन के द्वारा प्रतिक्षण प्रतिपल आगे कदम बढ़ाती है, तब जीवन की धारा अविराम गति से बढ़ती रहती है। वह अज्ञान की परतों को, ज्ञान के आवरण को हटाकर जीवन को नित्य नए आलोक से जगमगाती हुई एक दिन व्यक्ति के जीवन को पूर्ण आलोक से भर देती है। जीवन में चिंतन की धारा सतत प्रवाहमान है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके विकास को अवरुद्ध कर सके। प्रवाहमान झरने के प्रहारों के सामने अड़कर खड़े रहने की ताकत किसी भी चट्टान में नहीं है। जब झरने का प्रवाह उमड़कर आगे बढ़ता है तो वह पत्थरों की दृढ़ चट्टानों को, अभेद्य शिलाओं को तोड़कर अपनी राह बना लेता है। पाषाण भी उसे मार्ग देने के लिए बाध्य हो जाता है। काव्य की भाषा में कहे तो खोज लेती है सुधा पाषाण में, जिंदगी रुकती नहीं चट्टान में। याद रखे, विराट से विराट चट्टान भी जीवन के प्रवाह को रोकने में समर्थ नहीं है। रूढ़ियों की, जीर्ण शीर्ण परंपराओं की, मताग्रहों की, पंथों की, अंधविश्वासों की और जड़ता की चट्टाने चेतनाशील चिंतन मनन एवं विचारों के प्रवाह को कथमपि रोक नहीं सकती। परंपराओं, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों तथा सांप्रदायिक घेरों की दीवारें उन्हीं विचारधाराओं को आगे नहीं बढ़ने देती जिनकी चेतना शक्ति नष्ट हो गई है, जिनके चिंतन में प्राण नहीं है, विचारों में तेजस्विता नहीं है और जिनके व्यक्तित्व में ओज तेज नहीं है। जहाँ तहाँ रुकावट मुर्दों के लिए है, जिंदों के लिए नहीं। मुर्दा न कभी आगे बढ़ा है, न आगे बढ़ता है और न कदापि आगे कदम बढ़ा सकेगा। वह जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहता है, स्वयं सड़ता गलता है और अपनी सड़ांध से दूसरों को सड़ाता हुआ एक दिन नष्ट हो जाता है। तो जो अपने स्वतंत्र विचार चिंतन को लेकर जन जन के जीवन चेतना की स्वर लहरी झंकृत करने का, स्वतंत्र चिंतन को जगाने का प्रयत्न करता था, समाज, पंथ एवं संप्रदाय सदा सर्वता उसके मार्ग में कांटे बिखेरते रहा है। सांप्रदायिक रूढ़ियों एवं जड़ परंपराओं के रोड़े तथा अंधविश्वासों की चट्टाने खड़ी करके उनके मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया जाता रहा है। परंतु सदा स्मृति में रखिए कि चेतनाशील व्यक्ति के बढ़ते हुए कदम कभी रुकते नहीं, शिथिल होते नहीं और पीछे की ओर मुड़ते नहीं। कब रुके है चरण आगे बढ़न हारे। आगम साहित्य का एक एक पृष्ठ, एक एक पंक्ति और एक एक शब्द हमें स्पष्ट बता रहा है कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अपने 12.5 वर्ष की मौन तप साधना के अनंतर जो कुछ पाया, उससे जन जन के जीवन को ज्योतिर्मय बनाने के लिए, जन मन को आलोक से आलोकित करने के लिए और विश्व को स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता की राह बताने के लिए जब कदम बढ़ाया तो उनके मार्ग में कितनी चट्टाने आकर खड़ी हो गई। सांप्रदायिक तत्वों ने, पुराण पंथियों ने अपने गुरुडम को चौपट होते देखकर उनके मार्ग में कितने विघ्न उपस्थित किए, उस महामानव को राह से विचलित करने के लिए कितने कष्ट दिए, उन पर कैसे भयंकर प्रहार किए और कितनी अभद्र गालियां दी। परंतु वह युग पुरुष प्रहारों से भयभीत होकर पीछे नहीं हटा, उसके कदम निरंतर आगे बढ़ते रहे। विघ्न बाधाओं के तूफानों में भी वह अपने जीवन की मंजिल पर चलता रहा, एक मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ गति प्रगति करता ही रहा। जीवन उसी व्यक्ति का है जिसका दिल जिंदा है, दिमाग जिंदा है,
केवल सांसों के बोझ को ढोना और आपत्तियों के भय से भयभीत होकर मुर्दों की तरह पड़े रहना जिंदगी नहीं है। यह एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, जिसमें व्यक्ति नए प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स करके अपने जीवन पुष्प को विकसित करता है। आप इस बात को सदा स्मृति में रखें कि फूल सदा कांटों में ही खिलता है। वह जब तक कांटों के मध्य में रहता है तब तक खिला हुआ रहता है, अपनी भीनी भीनी खुशबू से संसार को सुवास से परिपूरित करता है, व्यक्ति के मन मस्तिष्क को तरोताजा बनाता है। परंतु जब वह कांटों से अलग हो जाता है तो अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। भले ही उसे बेनी में सजाया जाए, गले में हार बनाकर पहना जाए, सेज पर लगाया जाए या देवता को अर्पित किया जाए, परंतु जब वह कंटीली डाली से तोड़कर कहीं भी लगाया एवं रखा जाता है, तभी से मुरझाने लगता है, उसका जीवन रस सूखने लगता है। याद रखिए, जीवन पुष्प का विकास संघर्ष के कांटों की नोक पर ही होता है। नुकीले कांटों के अभाव में फूल के विकसित होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विकास का मार्ग कांटों के बीच में से ही गुजरता है। अतः कांटों से डरो मत, कांटों से घबराओ मत और कांटों को देखकर आंखों से श्रावण भादों की झड़ियां लगाओ मत, परंतु उनके ऊपर से ऐसे चलो कि उनकी चुभन तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर सके। विपत्तियों की कंटीली नोक को तोड़े बिना कदापि मंजिल को पार करके जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। पाश्चात्य विचारक सेनेका हमारे मन मस्तिष्क को झकझोर कर कहता है, जब तक व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक दुखों का, कष्टों का एवं मृत्यु का भी स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक वह जीवन का सच्चा आनंद नहीं ले सकता। नो मैन एंजॉय द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ बट ही हु इज रेडी एंड विलिंग टू क्विट इट। जीवन में आनंद का आस्वादन एकांगीपन में नहीं, विविधता में ही किया जा सकता है। आप जानते हैं कि नित्य प्रति एक पदार्थ खाते खाते व्यक्ति उब जाता है, उसे खाने का आनंद नहीं आता। परंतु जब व्यक्ति के सामने मीठे पदार्थों के साथ खट्टे चटपटे और मसालेदार पदार्थ रखे जाते हैं, तब उसे खाने का आनंद आता है। तो जीवन का आनंद, जीवन का विकास भी विविधता में है। व्यक्ति न तो केवल सूखे मखमली एवं डनलप के गद्दों पर सोकर जीवन का विकास कर सकता है और न दुख के कांटों की चुभन से विचलित होकर भी जीवन को गति दे सकता है। दुख में रोते तड़पते हुए पड़े रहना भी पतन का कारण है और सुख में आसक्त होकर मस्ती में लेटे रहना भी पतन के महागर्त में गिरना है। सुख में पड़े रहो या दुख के महासागर में डूबे रहो, दोनों ही जगह स्थिर रहना पतन है, मृत्यु है। सुख दुख के झूले में झूलते रहना, इतस्ततः भटकते फिरना जीवन नहीं है। जीवन है सुख के समय भी आगे बढ़ना और दुख की घड़ियों में भी जीवन की धारा को सतत गतिशील रखना। धन्ना और शालीभद्र की स्मृति आज जन जन के मन मस्तिष्क पर अंकित है। दीपावली के दिन सभी व्यक्ति अपने बही खाते पर लिखते हैं, धन्ना शालीभद्र की रिद्धि प्राप्त हो। धन वैभव एवं सुख साधनों को प्राप्त करने की कामना सबके मन में तरंगित होती है। परंतु धन्ना सेठ कैसे बना, इस जीवन कला की ओर आपने शायद ही कभी ध्यान दिया हो। धन्ना के तीन भाई और थे, उम्र में वे सब बड़े थे, धन्ना सबसे छोटा था, परंतु बुद्धि एवं योग्यता में वह सबसे आगे, इसलिए माता पिता का प्यार स्नेह उस पर अधिक था। पूरा परिवार धन्ना का आदर सम्मान करता था, घर की चार दीवारों के बाहर भी लोगों में उसकी इज्जत प्रतिष्ठा थी। उसने अपने मधुर व्यवहार एवं कुशाग्र बुद्धि से नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों एवं राजा तथा अधिकारियों के हृदय में भी अपने लिए स्थान बना लिया। राज्यसभा में पिता से भी अधिक मान सम्मान प्राप्त कर लिया। उसके विकास को देखकर तीनों ज्येष्ठ भ्राता उससे ईर्ष्या करने लगे। वे इस प्रयत्न में रहने लगे कि जैसे भी हो धन्ना को नीचे गिराया जाए, अपना खोकर भी उसके सम्मान को आघात लगाया जाए। ईर्ष्या का विकार सबसे बुरा है। इसके प्रवाह में बहने वाला व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरों की प्रतिष्ठा के महल को गिराकर उस खंडहरों पर अपनी प्रतिष्ठा के भवन का निर्माण किया जाए। तीनों भाइयों ने एड़ी से चोटी तक का पसीना बहाकर धन्ना को जनता की नजरों से गिराने का प्रयत्न किया, परंतु वे उसमें पूर्णतः असफल रहे। तब उन्होंने अपनी राह के कांटे धन्ना को निर्मूल करने का विचार किया।
वे ऐसा अवसर ढूंढने लगे कि धन्ना के जीवन को समाप्त कर दिया जाए, जिससे न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। धन्ना को जब अपने भाइयों के कलुषित मानस का पता लगा तो उसने अपने भाइयों के हित के लिए स्वयं ही उनकी राह से अलग हट जाने का विचार कर लिया और एक दिन अर्धरात्रि के समय घर परिवार एवं संपूर्ण वैभव को छोड़कर घर से बाहर निकल गया। रात समाप्त होते होते अपने नगर की सीमा को छोड़कर बहुत दूर निकल गया। अपने कदम बढ़ाते हुए वह दोपहर तक एक गांव के बाहर सघन वृक्ष की छाया में विश्राम करने को बैठ गया। वहां खेत में एक किसान हल जोत रहा था। दोपहर के समय बेलों को एक ओर बांधकर वह भोजन करने उस वृक्ष की शीतल छाया में आया तो वहां एक पथिक को बैठा देखकर उसकी आतिथ्य भावना जाग उठी और उसने राहगीर को भोजन करने का निमंत्रण दिया। धन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पथिक हूँ, गर्मी के कारण मैं यहाँ थोड़ा विश्राम करने बैठ गया हूँ। भूख तो लग रही है परंतु भोजन करने के पहले कुछ काम करना चाहता हूँ। परिश्रम किए बिना भोजन करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। यदि तुम मुझे रोटी खिलाना चाहते हो तो पहले मुझे कुछ काम बताओ। किसान धन्ना के तेजस्वी चेहरे को देखकर पहचान गया कि यह कोई महान व्यक्ति है। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को मैं हल चलाने को कैसे कहूँ। उसने धन्ना को बहुत समझाया कि वह काम करने का आग्रह न करे, अतिथि को आतिथ्य स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंतु जब धन्ना अपनी बात से थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ तब किसान ने उसे हल चलाने को कहा। धन्ना ने प्रसन्नता के साथ बैलों को हाँका और हल चलाया। हल की नोक से मिट्टी के ढेले उखड़ने लगे। एक दो चक्कर लगाए परंतु तीसरे चक्कर में हल की नोक जमीन में गड़े हुए एक बर्तन से टकरा गई। उसकी आवाज सुनकर धन्ना देखने लगा कि क्या बात है। धन्ना ने देखा तो उसे मोहरों से परिपूरित एक स्वर्ण कलश मिला। उसने स्वर्ण घट किसान के सामने रख दिया और कहा, मेरा काम हो गया इसलिए अब तुम्हारी रोटी खाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसान ने कहा, यह स्वर्ण घट तुम्हारे भाग्य से निकला है। इस जमीन को मैं 3 पीढ़ियों से जोत रहा हूँ। यदि मेरे या मेरे बाप दादों के भाग्य में होता तो अब तक कभी का ऊपर आ गया होता, परंतु हमें उसका कभी दर्शन नहीं हुआ। यह तुम्हारे ही पुण्य का प्रतिफल है इसलिए इसे तुम ले जाओ। धन्ना ने कहा, भाई मैंने रोटी खाने के लिए परिश्रम किया था इसलिए मेरा अधिकार तो रोटी पर है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। जो कुछ खेत में निकला है वह तुम्हारा है, मेरा नहीं, इसलिए मैं इसे कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ स्वर्ण घट धन्ना और किसान के बीच में एक समस्या बन गया। देखा एवं सुना जाता है कि धन के लिए भाई भाई के गले पर छुरी फेरते नहीं हिचकता। उसी धन को धन्ना भी ठुकरा रहा था और किसान भी। आखिर दोनों राजा के पास गए और राजा से प्रार्थना की, इस महापुरुष के पुण्य से मेरे खेत में यह धन निकला है परंतु यह उसे लेना नहीं चाहता और मैं भी इस संपत्ति को जो दूसरों के पुण्य का प्रतिफल है कैसे रख सकता हूँ। यह सब जमीन आपकी है इसलिए इस धन को आप अपने खजाने में रखें। राजा ने कहा, जमीन राज्य की है अतः उसमें जो उत्पन्न होता है उसका 1/6 भाग लेने का मुझे अधिकार है, उससे अधिक लेने का नहीं। अतः इस संपत्ति को तुम ले जाओ। जब स्वर्ण घट को 3ों में से एक भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ तब मंत्री ने कहा, ऐसा किया जाए कि संपत्ति से धन्ना की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके नाम पर एक गांव बसा दिया जाए। इस योजना को सबने स्वीकार कर लिया। किसान अपने खेत की ओर गया और धन्ना अपने पद पर आगे बढ़ गया। धन्ना के जीवन का यह एक सुनहरा पृष्ठ है जो हमें बता रहा है कि वैभव में अपने आप को विस्मृति के गहन अंधकार में मत फेंको। अपने विवेक को, अपने त्याग को, अपने संयम को जागृत रखो। लेने के लिए लालायित मत रहो, दिन रात बटोरने में ही मत लगे रहो, प्रत्युत देने के लिए सदा तत्पर रहो। फिर देखो जीवन विकास के पृष्ठ स्वतः ही खुलते जाएंगे। तुम्हारा काम इतना ही है कि अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहो, न पीछे मुड़कर देखो और न अगल बगल में झांको कि इसके प्रतिफल में क्या कुछ मिला है। इधर उधर देखना तुम्हारा काम नहीं है और रुकने में भी तुम्हारी शान नहीं है। तुम्हारा गौरव है दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाने में और तब तक अविराम रूप से बढ़ते रहना जब तक कि प्रगति के चरम शिखर को पादाक्रांत न कर दो। जीवन का लक्ष्य रुकना नहीं है, विश्राम करना नहीं है। यदि कभी विश्राम करना पड़े
तो वह वहीं पड़े रहने के लिए नहीं प्रत्युत दुगने वेग से आगे बढ़ते रहने के लिए है। जीवन का उद्देश्य एकमात्र यही है, विकास के पथ पर बढ़ते रहो और तब तक बढ़ते रहो जब तक विकास का अंतिम शिखर विजित न कर लो। हमें उतनी ऊंचाई पर पहुंचना है जहां लोक का अंत है, लोक की सीमा अनंत को स्पर्श कर रही है और जिसके आगे कदम रखने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जीवन का उद्देश्य नहीं है विश्रांति भवन में टिके रहना। जीवन का उद्देश्य नहीं है विश्रांति भवन में टिके रहना। हमको उतना आगे बढ़ना जिसके आगे राह नहीं है। हमको उतना आगे बढ़ना जिसके आगे राह नहीं है। जय आनंद।